नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना काल की वजह से लोग नहीं देख पाए रावण दहन। बिलाड़ा सेरवी मोती सिंह स्टेडियम में उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सिंह शेखावत, नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह, धुरेंद्र मेघवाल, प्रकाश चौहान, थाना अधिकारी बाबूलाल राणा सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कोरोना काल के 2 साल बाद दशहरे के दिन बिलाड़ा में रावण के पुतले का दहन देखने भारी भीड़ जुटी। शहर के मोती सिंह स्टेडियम में नगर पालिका के द्वारा बनाए गए 51 फीट के रावण और 25-25 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ। आपको बता दें कि स्थानीय नगर पालिका की ओर से दशहरा मेले को लेकर सभी तरह के इंतजाम किए गए। पुतलों से 100 फीट की दूरी पर चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए ताकि दहन के वक्त पुतले से भीड़ को दूर रखा जा सके। राम लक्ष्मण की जोड़ी ने तीर से वार कर रावण के पुतले का दहन किया। स्टेडियम में नगर पालिका प्रशासन द्वारा भारी आतिशबाजी की गई। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राम व लक्ष्मण की सवारी के साथ लोग बैंड बाजों व डीजे के साथ नाचते गाते जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सिरवी मोती सिंह स्टेडियम में रावण दहन स्थल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा। बिलाड़ा से गजेंद्र सिंह राजपुरोहित की प्रोग्राम रखा गया है, उसमें 51 फुट का या रावण रखा गया। सभी को एक बार तो बधाई देता हूँ दशहरे की, और इस पर्व को जो है हम बुराई पे अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाते हैं, और सभी बिलाड़ा वासियों को बहुत बहुत बधाई।